स्टार्टिंग करते हैं आज फॉर्मूलो से। सबसे पहले जो ट्रिगो के हैं, क्योंकि आज हम इनवर्स ट्रिगो पे फोकस करेंगे, डिफरेंशिएशन में इनवर्स ट्रिगो। तो साइन 2a की बात करते हैं, तो साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 plus tan square a। बिल्कुल। और अभी क्या है वो भी बताएंगे बेटा बाद में। साइन 2a क्या होता है, 1 minus tan square a अपॉन में 1 plus tan square a। tan 3 की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो tan 3 का फॉर्मूला भी रिकॉल कर लेते हैं, जो होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 minus 3 tan square a। देखिए अभी क्या है, y है आपके सामने और जो है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 plus x square। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, इनवर्स ट्रिगो वैसे भी आप सबको अच्छी आती है। तो ये हो गया 2 tan inverse x। तो अगर मुझे 9th क्वेश्चन में जो गिवन है और हम उसे इस तरीके से देखते हैं, तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने से, जैसे y का किया dy/dx, तो हमें डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का भी करना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 upon 1 plus x square। अगर डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला शीट शेयर करी हुई है, अभी उससे काम चला सकते हैं। डेरिवेशन भी बताया जा सकता है इसका, एक काम करते हैं चलो आपको डेरिवेशन भी सिखाई देते हैं। तो आपके पास आ गया dy/dx = 2 upon 1 plus x square। देखिए मैं 2-3 फॉर्मूले लिख देता हूं आपके सामने इनवर्स वालों में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन इनवर्स से। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव होता है 1 upon √1 minus x square। अगर बात आती है कॉस इनवर्स की, तो डिफरेंशिएशन तो सेम ही होता है साइन वाला, बट माइनस आ जाता है। अगर टेन इनवर्स की बात की जाए तो टेन इनवर्स हो जाएगा 1 upon 1 plus x square। सिमिलरली अगर कॉट को इसके साथ में देखा जाए, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स हैं इनके, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, तो उनके डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का ही डिफरेंस है। सेकेंड वर्स एक्स होता है डेरिवेटिव में x upon x square minus 1, और कॉसेक में सिर्फ माइनस चेंज आएगा सेक में और कॉसेक में माइनस का। लास्ट क्लास में हमने इम्प्लीसिट भी किए थे, तो अगर इम्प्लीसिट का ध्यान करें तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो नाइन्थ में नहीं, वो फॉर्मूला है अभी बताएंगे इसको। देखो क्या आप ये मानिए कि भाई हमें साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं आता, ठीक है कोई परेशानी नहीं। साइन इनवर्स इधर आया, देखिए समझाने के लिए तो बोल ही सकते हैं इधर आया, बेसिकली होता है क्या है टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स, बट क्या बोल देते हैं चलो साइन इधर आया। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा और साइन वाई का डिफरेंशिएशन होगा कॉस वाई, और वाई की वजह से हमेशा क्या आता है, लास्ट क्लास में सिखाया था dy/dx।
तो इस तरह से dy by dx आपके सामने कितना आ गया, 1 upon cos y। एक आप में से समझदार बच्चे ने क्या किया, कई सौ साल पहले उसने कहा इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर उस बच्चे ने ऐसा क्यों सोचा, वो देखिए आपके सामने, ने कहा कि सर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और साइन वाई क्या होता है, साइन वाई क्या है आप देख सकते हैं कितना है, एक्स है। तो डी वाई बाय डी एक्स मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, एक ही बात है। और आ गया आपके पास 1 upon √1 - x². अभी नहीं निग्रह सर, वाई कुछ वैल्यू हो सकती है या वाई ही रहता है, वाई की वैल्यू हो सकती है मुकुल? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ओके सुची वेरी गुड, अभी देखते हैं मुकुल एक बार बताओ, अगर मैं एक्स की जगह 1 upon 2 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, 1 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, √3/2 पुट करूंगा एक्स की जगह तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करती है वाई की वैल्यू, इसलिए वाई को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत बढ़िया सुची, कोई डाउट नहीं आया बेटा आपको। हाँ जी, ये डेरिवेटिव समझ में आया सबको? वेरी गुड, डन है, इसे रब कर देते हैं। ये मेथड, ये फॉर्मूलों का मेथड पता चल गया होगा सभी को कि क्या बात है कैसे है। वेरी गुड, चलिए अब हमें क्या है, एक मैं एक और करके दिखा देता हूँ, टेन इनवर्स का भी निकाल के दिखा देते हैं कि भाई आया कैसे। अब आप देखो वाई इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं टेन वाई किसके इक्वल हो गया, एक्स के। अब टेन वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec² y, और वाई की वजह से क्या आया, dy/dx, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो dy/dx मतलब d/dx(y) आपके पास है sec²y। अभी sec² को 10 में कन्वर्ट, देखो जिस चीज का भी फॉर्मूला बना रहे हो आपको उसी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी तो x का सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। तो यहाँ पर 10y को लिखा हमने x, और d/dx ये आ गया, सॉरी y नहीं आएगा x आएगा। टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा हुआ था कि टेन इनवर्स को इधर ले गए तो आपका बन गया टेन। लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया, sec² क्या होता है, नहीं आज नहीं लेंगे आज, sec² क्या होता है, 1+10² 10th क्लास में क्या होगा अनुभव, 1+10² sec² होता है। और टेन वाई की वैल्यू क्या है, आप देखो टेन वाई की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो टेन वाई की वैल्यू है एक्स, ठीक है अनुभव समझ में आ गया होगा, गुड। सर डायरेक्ट इनवर्स के फॉर्मूले अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड है, मैंने आपको ये बताया कि अगर क्या आपके स्कूल में ही ऐसा हुआ था एक बार, शायद उन्होंने कहा था इसी को प्रूव करो, तो फिर मैं सोचता हूँ ये मेथड भी बता ही देते हैं, चलो इतना मुश्किल भी नहीं है, छोटी सी बात है, और आपके सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिए हुए सारे, डायरेक्ट ही आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, आपको डेरिवेशन नहीं करना। चलिए सो उम्मीद करते हैं कि अब इन फॉर्मूलों का ओरिजिन कैसे हुआ है ये आपको पता चल गया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आज के नोट्स बिल्कुल शेयर करेंगे बेटा, नोट्स रेगुलर शेयर होंगे आपके, नोट्स रेगुलर शेयर होंगे। बिल्कुल यस यस मुकुल, पूछा जा सकता है डेरिवेशन। अभी नाइन्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, नाइन्थ करा देते हैं, टेंथ से शुरुआत करते हैं। देखिए अगर आपको टेंथ का फॉर्मूला याद नहीं है, टेंथ क्वेश्चन में जो टेन इनवर्स यूज हो रहा है और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप देखो कि भाई इनवर्स टेन का है तो क्या टेन में मिलता जुलता ऐसा कोई फॉर्मूला है? तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू टेन ए, बिल्कुल देखो मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ये हो गया टेन इनवर्स, एक्स की जगह टेन ए पुट किया तो बन गया थ्री टेन ए के साथ टेन क्यूब ए अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। अब देखो बाहर है टेन इनवर्स और अंदर से भी फॉर्मूला बन रहा है टेन का, तो ये हो गया आपके पास थ्री ए, और यहां से ए की वैल्यू देखिए कितनी बन गई, टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया थ्री टेन इनवर्स एक्स। अभी तक डिफरेंशिएशन का तो नामो निशान नहीं है, इनवर्स वो ही चल रहा है। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, लेफ्ट साइड में वाई का और राइट साइड में आप देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स का, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास dy by dx आ गया 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बता देते हैं उसे भी। हाँ अनुभव बहुत बढ़िया, डाउट है बिल्कुल, शुशि गुड, आदन वेरी गुड। अनुभव यूज कर सकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। सर 3a के बाद वाला बता दो। ओके देखो यहां से देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स। नहीं आंसर बेटा देखो क्वेश्चन एक्स में था, क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में आना चाहिए। अगर क्वेश्चन ए में होता तुषार तो आंसर भी ए में देते। हाँ चिराग बताते हैं, मुकुल के आइडेंटिटी याद नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है बेटा, जरूरी थोड़ी है 100 में से 100 आए, 95 भी अच्छे होते हैं, तो एक दो में आइडेंटिटी याद नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, छोड़ देना क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ है नहीं, याद तो रखना पड़ेगा। टेन इसलिए लेट करा बेटा क्योंकि आप देखो यहाँ पे चिराग की फॉर्मूला जो है आप देख रहे हो वो टेन पुट करने से बनता है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या दिखाई दे रहा है, जहां जहां एक्स है आप देखो वहां वहां क्या है, टेन है, इसलिए हमने टेन पुट किया। ओके सर ए को कब लेना होता है ये समझ में नहीं आता। देखो इनवर्स के क्वेश्चंस में एक बेसिक बात यह है, मुकुल तुम्हारा भी आंसर मिलेगा इसमें, इनवर्स के क्वेश्चन में बेसिक बात यह होती है कि जो इनवर्स बाहर है आप अंदर से वही चीज बनाने की कोशिश करो ट्रिगो से। या तो देखो आपको आइडेंटिटी याद है मुकुल, बट अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप कोशिश करो ट्रिगो की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। अभी मैं आपको एक सजेशन और दूंगा, सुनिए ध्यान से, कि जैसे आपके पास में ये टेन इनवर्स है ठीक है जी, तो पहली कोशिश तो ये करो कि अंदर से जो भी फॉर्मूला बने वो टेन का बने। बट अगर टेन नहीं बनता है तो कॉट का भी फॉर्मूला वर्क कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट अटेम्प्ट तो ये करो कि भाई अंदर से कुछ भी आए वो सेक बन जाए, अंदर से कुछ भी आए वो साइन बन जाए, यहां से कुछ भी आए वो कॉस बन जाए, ऐसे यहां से साइन बन जाए। बट अगर साइन भी नहीं बन रहा है तो आप कॉस बना लो, कॉस नहीं बन रहा है तो साइन बना लो, साइन नहीं बन रहा है तो कॉस बना लो, सेक नहीं बन रहा है तो कॉसेक बना लो,
यहां से कोशिश करो कि कॉस बने, कॉस नहीं बनता तो साइन बना लो उनके पार्टनर, यहां से टेन में फॉर्मूला बन गया, टेन नहीं बनता तो कॉट बना लो। सर बेसिकली हमें यही करना है ना कि क्वेश्चन को इस पॉइंट पर लाना है कि वो बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें x माइनस वाला फॉर्मूला भी तो कर सकते हैं, बॉटम में वन है, बॉटम में वन टेन में सब में होता है, ठीक है, किसी और वैल्यू से नहीं हो पाता चिराग। सर छोटा डाउट ये है कि क्वेश्चन 14 में मैंने पहले साइन ही किया, अब आप ये देखो जो उसमें वैल्यू पुट करनी है, ये जो साइड में लिखा हुआ है ना एक्स की कंडीशन जो दी हुई है वो उस पर डिपेंड करेगा, बट क्या है जो आपने बार बताइए अगर कंडीशन ना हो तो ये वाला डिफरेंस आता रहेगा, प्लस और माइनस में आंसर आते रहेंगे अगर कंडीशन अप्लाई, कंडीशन इग्नोर की जाएगी तो। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया डाउट है आपका, आज लक्ष्य तुषार ने भी ये डाउट पूछा था कि माइनस का डिफरेंस आ रहा है, ये बेटा इस कंडीशन की वजह से आ रहा है, हम जब इस कंडीशन को इग्नोर करते हैं हमें ये देखना होता है रूट की कंडीशन हो, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेटिस्फाई हो, उन सारी कंडीशन, अब नहीं कोई जरूरत नहीं है, लंबी बात बढ़ जाएगी, इस चैप्टर का मूड खराब हो जाएगा तुम्हारा पढ़ने का। चलो एक काम करो इनवर्स के टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला दो तो वो कंडीशन सिखा दूंगा, पूरी इनवर्स देखो एक तरफ और उसके साथ में जो साइड में कंडीशन लिखी है उनका एप्लीकेशन वो पूरे चैप्टर से ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए क्या सीबीएसई में कोई टेंशन ही नहीं आती, डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। बताएंगे जरूर कभी, कंटिन्यूटी का क्या टेस्ट होगा, चार क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें। हाँ विजय देखो एक ही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी टेन इनवर्स एक्स, क्यों करी थी, क्योंकि हमने एक्स को एज्यूम करा था टेन ए। जय कह रहे मेरा डाउट तो रह गया, ए इक्वल टू कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स, टेन को धर ले आए तो ये बन गया टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनवर्स का ही टेस्ट हो, इनवर्स का टेस्ट हो, सब्जेक्टिव टेस्ट हो, 2 घंटे का टेस्ट होगा। जय बात बताओ जल्दी से, ओके संडे को दे दो कमिंग को, कमिंग संडे टेस्ट दे दो, मुझे पता है उसको करने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग कह ही देते हो मेरा ये हो गया मेरा हो गया, सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा अभी भी, बिल्कुल वीडियो सही होगा, वीडियो में सब कुछ कवर है, ऐसा कुछ है जो वीडियो में ना हो। नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं होगा टेस्ट, सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हो पाएगा वीडियो का, सोचिए तुम्हारे लिए कुछ और ऑप्शन दे देंगे बेटा, बिल्कुल हाँ जी। टेंथ हो गया, इलेवंथ देखते हैं, इलेवंथ आप खुद करो, देखो इलेवंथ खुद अटेम्प्ट करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आरडी शर्मा सब कवर्ड है उसमें मुकुल, ये देखो अभी भी तुम्हें बेटा आइडिया नहीं लगा कि वीडियोस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, अभी आइडिया लग रहा है नहीं लग रहा बच्चों आपको, गुड अनुभव सही है। अगर आपने इन्वेस्टिगो की एक्स्ट्रा वाली जो भी वीडियो है अगर देखी होंगी तो अभी आपको आइडिया लगा है नहीं, रहिए हम इलेवंथ में भी करा देते हैं, ट्वेल्थ में भी कराते हैं, ट्वेल्थ में कुछ और भी ज्यादा करा देते हैं, गुड पाथ सही है, नहीं गलत है, पाथ गलत,
गुड तुषार, मानसी सही है, गुड सुचि, वंशिका वेरी गुड। हाँ डन, आंसर लिखा करो चिराग, इतना सुंदर नाम लिखा है, आंसर भी लिखा करो। बाकी रिंकी गुड, चिराग बुद्धि राजा जी, हाँ इसका डिफरेंशिएशन भी होना है चिराग। श्रेया गुड बेटा, पुष्कल गुड, चिराग हाँ इसका डेरिवेटिव करो प्रशांत, ये तो सॉल्व हो क्या है, डिफरेंशिएशन भी तो करना है आपको, डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। गुड निग्रह, यस मुकुल, आयशा सही है, दिव्यांशु नहीं, तुषार नहीं, ठीक है श्योर है, बढ़िया ओके। देखो 12th क्वेश्चन में आयुष कुछ पूछना है बेटा? नहीं, अच्छा ना ना कोई जरूरत नहीं, बस आगे समझ में, लक्ष्य गलत लिख दिया जे, अब ये बढ़िया लिखा है जे ने लिखा है आंसर 1 + x का स्क्वायर, बात खत्म, कोई कंफ्यूजन ही ना हो, 2 अपॉन सॉरी 2 लिखा हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक। 12th क्वेश्चन देखो भी सभी बच्चों, पहले जल्दी से एक स्टेप लिखूंगा बस। साइन इनवर्स एक्स को, तुषार आपकी मिस्टेक देखेगा क्या थी, साइन इनवर्स एक्स, क्या आप लोग साइन इनवर्स एक्स को π/2 cos inverse x लिख सकते हो, तो ये हो गया π/2 cos inverse x। अब x की जगह क्या पुट करना है, सभी बच्चे भली भांति जानते हैं tan a, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। मयंक वो ठीक है, 5/2 को 0 ही करना है, नो मिस्टेक, लेकिन यहां से माइनस भी तो आएगा बेटा, इंटीग्रेशन 7th चैप्टर में बेटा, ज्यादा दूर नहीं है आपका इंटीग्रेशन, अब जुलाई में जो इंटीग्रेशन होगा। बाकी स्टूडेंट कहाँ है भाई, कहाँ खो गए हमारे स्टूडेंट्स, दीपांशी नो रिप्लाई, ध्रुव, गौतम जी, गार्गी बेटा, गरिमा, हिमांशी, 2/1 + x² लक्ष्य, मुस्कान, राघव, हाँ कुशल बेटा, इंटरेक्शन होता रहना चाहिए, ऐसा लगता ही नहीं आप हो यहाँ पे, चुपचाप बैठने वाला काम जो है क्लास में चल जाता है। अच्छा मुकुल क्या प्रोसेस लगा लिया, कोई बात नहीं वो भी चलेगा, ओरिजिन तो वही है बेटा सूची सब में, -2/1 अच्छा भी बहुत बढ़िया बेटा, आंसर सही है बेटा, आंसर इसका आएगा, इसका आंसर आएगा -2/1 + x²
ओके ठीक है मुकुल। सही है तुषार। पाई बाई टू का क्या करे, लिखा हुआ आर्यन, पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके दीपांशी, 13 क्वेश्चन देखिए। अरे गरिमा, चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। सर जी, सर इन क्वेश्चंस में सिर्फ यही 3 आइडेंटिटी लगेंगी। नहीं बेटा, आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ एनसीईआरटी से करते हैं क्वेश्चन कितने आसान लगते हैं। अभी अपना असाइनमेंट शेयर कर देंगे, अभी कर देता हूँ आपको, आप देखो, आप वो करोगे तो आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल 13 क्वेश्चन करिएगा, कर चुके होंगे बच्चे सभी। तो इसे लिख सकते हैं हम पाई बाय टू माइनस, बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में आएगा। सही बात है आर्यन। देखो बच्चे, आपने जो डाउट पूछा था उसे कवर करते हैं। यहाँ पे हमने y का डिफरेंशिएशन करा, पाई बाय टू का 0 करा, और यहां हमें डिफरेंशिएशन करना है। आप इसे इजीली कर सकते हो, पहले भी पुट कर सकते हो, बाद में पुट कर लो, जहां मन करे वैसे पुट करो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात। सो 14 क्वेश्चन कर लो, इजी है। 14 क्वेश्चन करिए आप लोग। दिव्यांश बेटा, हाँ सही है, बढ़िया। सुची बेटा, ओके आर्यन, उससे कुछ नहीं होने का, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ कर लो कर लो, हो जाएगा, फिर कर लो। बिल्कुल सही, हो सकता है निकले, थोड़ा देखना पड़ेगा, वो तो जाएगा।
बहुत बढ़िया, 15 पे अटेम्प्ट करो, लास्ट क्लास में समझाया है। ए बी इज अ डेरिवेटिव, कोई बात नहीं, आने दो जिसका माइनस में आ रहा है। अच्छा इसे तो साइन से करो आप, साइन ही पुट करके, 15 नहीं हो रहा। अरे देखो कौन से क्वेश्चन में बेटा सुची, टेन का सब्स्टिट्यूशन कर क्यों रहे हो आप लोग? देखो हमेशा क्या है, सेक का लिंक किसी में भी हाँ हो जाना चाहिए, हो जाएगा बिल्कुल होगा। हो जाएगा अगर एक्स की जगह कॉस ए पुट करें तो 15th में लक्ष्य तुषार। बच्चे बहुत लेनी पड़ता है उसमें सच्ची, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं करते। इट्स लाइक मतलब कोई ये कह रहा है कि किसी ने एक क्वेश्चन दिया कि 69 × 178 करो, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं एक काम करूं सर, मैं 69 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं 69 को 178 टाइम्स प्लस करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा। हाँ आंसर आएगा, बट कितना बढ़िया होगा, फिर दिक्कत आएगी। सर ये कॉस कैसे आया? कॉस ऐसे आया, ये बढ़िया बात है भाई। तुझे समझ रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? ये कॉस ऐसे आया कि कॉस 2 के होते हैं 3 फॉर्मूले। बहुत बढ़िया, तो एक फॉर्मूला होता है 2 cos² a - 1, एक होता है 1 − 2 sin² a, और एक आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ही, और एक और भी होता है cos² a - sin² a। तो अब देखो आपकी मैचिंग इसमें किससे बन रही है? इसी से बन रही है ना, इसलिए हमने एक्स की जगह जो फॉर्मूला बने उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे। हम इन्हें सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। आप देखो बहुत कई साल हो गए आपको मैथ्स पढ़ते हुए, उनमें बार बार एक क्वेश्चन लिख के आते हैं, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, क्यों लिखा आता है? सो कॉस इनवर्स कैसे आया, कैसे आया? हाँ ये बढ़िया बात है। ये क्या बेटा सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? 14 कॉस से हो सकता है, कंडीशन का चक्कर है, साइन से ही कर लो। तो हमने रेसिप्रोकल लिया दोनों का, एक्स की जगह साइन ए पुट करो, उससे भी हो जाएगा साइंस से भी हो जाएगा, साइंस से कर लेना, कंडीशन की बात है, मैं बता दूंगा। दो कंडीशन होती है, देखो हाँ ये सॉरी ये सही कह रहे हो, बहुत सोचने का काम है, काम तो काफी सोचने का है। देखो काम करते हैं, एक बार थोड़ा सा ना 14 पे फोकस करते हैं, कई सारे बच्चे का डाउट आ रहा है। 2 मार्क्स का आएगा बस। देखो
क्या है कि एक बच्चे ने साइन ए पुट करा तो हमारे पास आया साइन इनवर्स 2 sin A अंडर रूट 1 minus sin square A, तो जो बन गया साइन इनवर्स 2 sin A cos A, और ये हो गया साइन इनवर्स sin 2A। अभी यहां वैल्यू पुट करते हैं, देखो अगर मैं x की जगह 1/√2 पुट करता हूं, ठीक है, तो यहां से आएगा आपके पास में π/4, ठीक है, और 2 × π/4 से करेंगे तो हमारा π/2 आ जाएगा, और अगर मैं माइनस का पुट करता हूं तो माइनस का π/2 आ जाएगा, और हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बन जाती है। हाँ ठीक है, दिया नहीं है इसलिए पुट नहीं कर रहे तुषार, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया नहीं है इसलिए पुट नहीं कर रहे, तो मतलब ये जो भी आंसर आ रहे हैं आ तो साइन में ही रहे ना, मतलब हमने इससे अगर इसको कैंसिल करा है तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करना चाहिए। देखो ये दोनों को कैंसिल करने का फॉर्मूला यही है, क्या आप इन दोनों को तभी कैंसिल कर पाते हैं जब आपका आंसर इसमें आ रहा हो, तो आप देखो ये इसमें ही आ रहा है यहाँ और यहाँ, तो कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पे, अगर हम पुट करते कॉस ए, अगर कॉस ए पुट करते तो ये आता साइन इनवर्स, ठीक है जी, साइन साइन 2 ही आ जाता क्योंकि 2 sin cos A आपका बन जाता। ओके, अब यहां से हम पुट करते हैं, देखो अगर मैं एक्स की जगह 1/√2 लेता हूं, अगर मैं एक्स की जगह 1/√2 लेता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, तो कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया π/4, तो 2 × π/4 से π/2 आ रहा है, इज ओके। अभी दूसरी वैल्यू पुट करते हैं माइनस का 1/√2। अब देखो ए कहाँ जा रहा है आपका, अब आपका ए कहाँ जा रहा है, अब आपका ए निकल लिया थोड़ा दूर, कितना आया 3π/4, और यहां से 2a होने की वजह से वो बन जाएगा 3π/2। अब आप देखो π/2 3π/2, क्या इस सिचुएशन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आ रही है, नहीं आ रही, इसलिए हम कॉस पुट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, हाँ कोई बात नहीं, आंसर बता देते हैं, 15 का आंसर बता देते हैं, 15 का आंसर है ऐसा 1 − x2। इतना सब मत सोचो चिराग, इतना सब सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल क्वेश्चन करते रहो, एनसीईआरटी और आपकी सीबीएसई में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जो स्पेशल क्वेश्चन मैं अपने आप बताऊंगा आपको, बट आप लोग कई बार पूछ रहे थे तो फिर मैंने कहा थोड़ा बता ही देता हूँ। तो कंडीशन सब में, सर 15 में 2 भी तो आएगा, हाँ 2 भी लगा लो भाई, ये रहा सही बात, 15 में 2 भी है, सही कह रहे हो आप। तुषार बात समझ में आई भाई, इसे किसी दिन फुर्सत में बताएंगे, मैंने बताया था ना ये थोड़ी लंबी कहानी है, आराम से समझना इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वैसे तो और कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं, बट इतनी डिटेलिंग देखोगे 2 नंबर के क्वेश्चन में, 8 नंबर की मेहनत तो अच्छी बात नहीं है ना आपसे,
ये तो डील ही अच्छी नहीं है, इतनी मेहनत करनी पड़े। तो अग्रवाल साहब आप कैसे फिर अग्रवाल हो, आपको ही क्वेश्चन करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, इतना समझाना पड़े, बेकार है फिर तो। आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हम बताते रहेंगे कौन से क्वेश्चन में सोचना है कौन से में नहीं सोचना है। बिल्कुल सही बात है गुप्ता जी, आप भी सही कह रहे हो। सर एग्जाम में कौन से तो मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्यों मिलेंगे बेटा मार्क्स, कंडीशन दी हुई है तो नहीं मिलेंगे। हाँ ये ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हो आप, ये सब चीज़ है। ओके मूव ऑन करते हैं। लो जी दुनिया बदल गई यहां से आपकी। हुआ क्या है, थोड़ी लॉग की कहानी आई है। तो पहले यहाँ पर लॉग ही है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल मतलब सारी बात है ई रेस टू पावर एक्स, और लॉग की बात करते हैं तो लॉग का मतलब है लॉग एक्स बेस ई। ठीक है, कुछ बातें हैं, ये नंबर कभी भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू अप्रोक्स 2.7 होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है। विशेष बात, ई की पावर में कभी लॉग हो तो अगर ये दोनों चीजें सेम होती हैं तो ये सब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, आंसर एक्स आ जाता है। ये यहां लिखा हुआ है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। देखो अनुभव एक बात बताओ, क्या प्लस प्लस और माइनस मल्टी डिवीजन से रिलेटेड है या नहीं? क्यों, डिवीजन में प्लस और माइनस यूज नहीं होते? अगर किसी को प्लस माइनस ना आता हो तो क्या वो डिवाइड कर पाएगा? क्वेश्चन डिवीजन का बस। तो सारी की सारी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस एक दूसरे से स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग इन्हें अलग अलग तरीके से बताते हैं। ये सब इंटीग्रेटेड है, कंबाइंड है, होमोजीनियस है, सब मिक्स है। ये ट्रिगो लॉग ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की तरह यूज होते हैं, और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स फिजिक्स में इंटीग्रेटेड है। वहां कुछ भी कभी भी कोई भी बात यूज करा लेते हैं, ठीक है। तो सबका आपस में लिंक है। कैलकुलेशन में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को तो मैं प्लस के ही क्वेश्चन करूंगा और माइनस के ही करूंगा, या मल्टीप्लाई के करूंगा या डिवाइड के करूंगा। अगर हायर लेवल की बात चल रही है तो कोई भी चीज कभी भी आ सकती है जो आपको पढ़ाई गई है। तो अब डिफरेंशिएशन में ट्रिगो भी आ सकती है, इनवर्स ट्रिगो भी आ सकती है, चैप्टर वन भी आ सकता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी आपका सिलेबस में है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन भी आपके सिलेबस में है, मैट्रिक्स डिफरेंशिएशन भी है, मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स फंक्शन भी घुस सकता है, इनवर्स के अंदर मैट्रिक्स भी आ सकता है, मैट्रिक्स में लॉग आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो कोई भी चैप्टर किसी भी चैप्टर के साथ कभी भी मिक्स करके दिया जा सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप तक बात पहुंच गई होगी। खैर फिलहाल हम लॉग की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज पे चलेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल। भाई लॉग में क्या होता है, लॉग में वो होता है जो पावर में होता है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर की पावर हो तो पावर आगे आ जाती है। ये देखो ठीक है, लॉग में क्या होता है, डिवाइड है तो माइनस, और याद करो पावर में क्या होता था, पावर में भी डिवाइड हो तो माइनस हो जाती है पावर। तो लॉग पावर का ही दूसरा नाम है एक तरह से,
और कुछ नहीं है, एक्सपोनेंट को ही हम पावर कहते हैं। तो इसलिए लॉग पावर एक दूसरे से इतने स्ट्रॉन्गली लिंक दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, बहुत आसान डिफरेंशिएशन है इनके, सुपर आसान। पहला डिफरेंशिएशन, दुनिया में इससे अच्छा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, e रेस टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेस टू पावर x ही होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। याद रखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे e मेंशनड है, यहाँ पे e है, e लिखा हुआ है। ये डिफरेंशिएशन नेचुरल लॉग का है, देखो लिखा भी हमने द डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज 1 अपॉन x, द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू पावर x इज e रेस टू पावर x। किसी को कुछ कहना है पूछना है तो बता दो, मैं क्वेश्चन कराऊं फिर आपके। बिल्कुल बता देते हैं अभी, और बताइए। अभी बताते हैं, बेस वैल्यू को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। नहीं सर, ये ऊपर बी क्या है, कौन बी, बी इज बेस, बेस डिफरेंट बेस है, बी बी स्टैंड फॉर बेस। सुची तुम्हारी बात भी बताते हैं, लक्ष्य की बात बताते हैं, और थोड़ी सी बातें आपको बता ही देते हैं। चलो एक बात तो पता चल रही है कि 11th में मौज अच्छी खासी दी गई है, और अच्छा है, एक आध साल मौज भी लेनी चाहिए। ओके मुकुल, देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहले डाउट नंबर 1, श्री तुषार राणा कहते हैं सर आपने डिफरेंशिएशन इसका बताया है 1 अपॉन x, पूरा लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x है, बट मान लो मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं और उसमें यहाँ 2 आ गया, अब मैं क्या करूं, तो इसका डिफरेंशिएशन भी 1 अपॉन x होता है, साथ में log 2 लिख दो, फिर से बेस e। ये एक्चुअली सबसे पहली लाइन में ही मैंने लिखा हुआ था, बट ये समझ में नहीं आती ये बात क्या है। सुन बहुत केयरफुली देखिएगा सब लोग, बिल्कुल 100% फोकस कर लें स्क्रीन पर, कमजोर लॉग वाले इसे ध्यान से देखें, इस पे हम बाद में फोकस करेंगे। इसको एक्चुअली लिखा जा सकता है log x अपॉन log 2, और आप देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन x, और पहले से क्या लिखा हुआ है log 2, तो यही बात थी कि ये log p अपॉन log a हो गया, log a और log p। तो अगर ऐसा होता है तो log x अपॉन log 2 लिख लेंगे हम उसको, और फिर उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तुषार क्वेश्चन टूल तब लगाते बेटा जब दोनों फंक्शन एक्स के होते, ये तो कांस्टेंट है बेचारा, मल्टीप्लाई डिवाइड के कांस्टेंट को हम कुछ नहीं कहते। अवनी यस ऐसा होता है, तुषार समझ में आ गया क्वेश्चन टूल क्यों नहीं लगा। ओके ठीक है, और अवनी जो तुमने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अवनी कह रही है कि सर इसका मतलब हम ऐसे सोचे इसको कि ये log x अपॉन log ही है, यस, और दोनों का बेस क्या है e, तो ये तो फिर से 1 हो गया, तो इसलिए आ गया आपका log x दोबारा से। सर फर्स्ट फॉर्मूले में b की वैल्यू कैसे आएगी, जो मर्जी आपकी चिराग लिख दो, पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, एनी नंबर जो आपकी चॉइस का हो। तो आपकी और हमारी चॉइस क्या है फिलहाल, हमारी आपकी चॉइस है ई, इसलिए हम ई लिख लेते हैं, या कुछ नहीं लिखते हैं ऐसा कहो, बी अपनी चॉइस का होता है।
मैसेज कर देना, एक लॉक की वीडियो अगर हुई तो शेयर कर दूंगा, शायद है, पक्का नहीं पता। चलो जी, क्वेश्चन करा दें। बिल्कुल ठीक है। हाँ इजी ही है, मैथ्स तब डिफिकल्ट है जब हम आधी अधूरी पढ़ते हैं। जितनी ज्यादा पढ़ते जाते हैं उतनी आसान भी होती जाती है और मुश्किल भी होती जाती है, दोनों बातें एक साथ। खैर, क्या सोचना, जो सामने है उसे देखो। देखिए जी, अभी क्या है, मैंने यहां बनाया बॉक्स। अब बॉक्स बनाया तो ये क्या बन गया, ई रेस्ट टू पावर एक्स, और ई रेस्ट टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेस्ट टू पावर एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -1। गुड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मैं देख रहा हूँ सारे आंसर सूची बिटा आपके, आप कंटिन्यू रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देखिए ये साइन लॉग एक्स है, अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूँ तो ये क्या बन गया। शाबाश, देखो आप लोग के चैट बॉक्स में लिखते रहते हो, मैं सब देखता रहता हूँ बहुत ध्यान से। ठीक है, लिख रहे, देखो भाई व्हाट्सएप नहीं देख पाऊंगा। सर लॉग एन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा लक्ष्य। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह हमें बॉक्स रूल लगाना है और किस जगह हमें जनरल तरीके से करना है। सत्य वचन अनुभव, मुझे एक बात बताओ, आपके पास कोई साइन लॉग एक्स का फॉर्मूला है, हाँ या ना में जवाब दो जल्दी। नो, ओके। क्या आपके पास कॉस इनवर्स ई एक्स का कोई फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा ठीक है, निकले। क्या इसका कोई फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट हमारे पास, अनुभव? क्या ई रेशियो पावर माइनस एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास, नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं बॉक्स बनाता हूं ये एक्स बन जाता है। अब बताओ मेरे पास फॉर्मूला है या नहीं, अनुभव जल्दी जल्दी बताओ। यस, इसलिए बॉक्स लगाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है तो मत लगाओ, नहीं हो रहा है तो बॉक्स की तरफ जाओ। ठीक है जी, ये हो गया साइन लॉग एक्स, सब लोग कर लो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हो गया कॉस लॉग एक्स। हाँ लेकिन ये लॉग के फॉर्मूले तो नहीं आए थे ना बेटा, तो ये हो गया हमारे पास कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1/x। हाँ बताइए, तो थी बार बेटा भूल जाते हैं। सर लॉग भी अपने आप में बढ़िया ही है, लॉग तो बहुत बढ़िया है बेटा, लॉग पे तो फुल कॉन्फिडेंस रख सकते हो आप लोग, इतना बढ़िया है ये। हाँ जी, अब देखो ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1/x² और डिफरेंशिएशन किसका, बॉक्स का। अंडर रूट, अरे ये क्या लगा दिया अपने फॉर्मूला, ये गलत लगा दिया। हाँ जी, ई रेस टू पावर एक्स का, ई रेस टू पावर एक्स और डिफरेंशिएशन किसका,
सर कॉस इनवर्स कुछ अजीब नहीं लगा दिया? हाँ लगा दिया था, अब सही है ना? ओके चिराग बाबू क्या लिखा है? सही है, बढ़िया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ज्वाइन कर जाओ। यहाँ तक की बात क्लियर? आगे चलते हैं। चलो जी शुरू हो जाओ। 5.4 अब आपके हवाले, जल्दी से करो इसे। हाँ ये तो हमेशा होता ही है। अब नहीं, डोमेन में ही क्वेश्चन डिफाइन, जब डिफाइन हो रहा है तभी माना जाएगा। भी लिख रहा हूं अपने आंसर, मेरी भी चेक कर सकते हो आप लोग। आर्यन मैच क्यों नहीं हुआ भैया? क्वेश्चन टूल लगाओ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करके।
डिनोमिनेटर लिखा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर लिखा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बॉक्स फुल तो नहीं लगा दिया था? ऑक्सुल बेटा कैसे लगाया, किसको एक्स माना आपने? जरा एनोटेशन ऑन करता हूं, बताना जरा किसको एक्स माना आपने, बताओ। ठीक है शुचि बेटा, सारे आंसर सही है तुम्हारे। अच्छा चलो कोई नहीं, फोर्थ थोड़ा बड़ा है, फोर्थ में एक बॉक्स बनाओ। एक बॉक्स बनाया तो ये आ गया, फिर टेन इनवर्स का करा, इसे बॉक्स मान के तो ये आ गया, और फिर माइनस एक्स का करा तो माइनस वन आ गया। तीन बार हुआ इसमें, इलेवंथ में आपने फर्स्ट को करने का कोई और तरीका बताया था ये बताया होगा शौर्य बेटा, बादाम बहुत खा रहे हो, ये बताया होगा, ऐसा भी हो सकता है बेटा। ई रेस्टू पा माइनस एक्स का करेंगे बॉक्स बना के, ई माइनस एक्स का तो ई माइनस एक्स, और इसका करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा ई माइनस एक्स लिखना रह गया, निकला गलत है। नहीं आएगा तुषार, आइडेंटिटी है, नहीं आएगा, सही आएगा बिल्कुल। रिया फिफ्थ को देख लेना बेटा एक बार, सही है। और क्या आंसर में माइनस टू एक्स कैसे आया? देखो जब तुमने इसका डिफरेंशिएशन किया था दिव्यांशु, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। सिक्स का तो बेटा बड़ा आसान है, ई एक्स का क्या हुआ? ई एक्स, एक्स स्क्वायर पे बॉक्स लगाया, ई एक्स का ई एक्स और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का।
उसने चलो बेटा सब लोग, शाबाश सर। एक क्यू लेफ्ट किया फाइव में, लेफ्ट नहीं किया है, ये है यहाँ पे अभी पूरा सॉल्व नहीं किया, इसकी मल्टीप्लाई करके लिखो। गुड दीपांशी, वेरी गुड बेटा। सर लॉग एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू टू लॉग एक्स, यस। कहाँ पर आया ये? नहीं, चलो बहुत बढ़िया सुष्टि। वरुण तुम्हारे वाले का आंसर नो है, अच्छा नाइन्थ में। नहीं लॉग एक्स का होल स्क्वायर ही लिखो बेटा उसको। इट्स नॉट इक्वल टू टू लॉग एक्स, ये इक्वल नहीं है। गुड डाउट। लो जी सेवन हमने कर दिया पूरा। जिस बच्चे को भी दिक्कत हो आराम से देख सकता है, अगर फिर भी दिक्कत हो तो हाँ भी कराएंगे इसके बाद, जय क्यों नहीं कराएंगे। लॉग का स्क्वायर कुछ मत करो, लॉग स्क्वायर ही लिख दो बेटा। लॉग के स्क्वायर को कुछ मत लिखो, ऐसे लिख दो बस।
ओके चलो भैया आ जाओ, जरा आराम से ध्यान से सुनना। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनने, आपको ये 6 मार्क्स में भी आ जाता। एनसीईआरटी से चेक कर लो मुकुल, सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें करो वो अपने आप हो जाएंगे सारे। आप यहाँ फोकस करो अभी, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 थ्री एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5 इस पूरे की पावर 1/2। जब बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड और पावर की फॉर्म में हो एक साथ, या एक्स की पावर में एक्स नजर आए किसी भी तरीके से, या एक्स की पावर में वाई नजर आए, वाई की पावर में एक्स नजर आए, वाई की पावर में वाई नजर आए, तो हमें उन क्वेश्चंस में लॉग की हेल्प लेनी पड़ती है, लॉग की प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ती है। बेटा 1/2 गिवन नहीं है, लेकिन इस रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होता है। ठीक है जय, अब क्या करो, दोनों साइड का लॉग ले लो। अगर हम लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड में आ गया लॉग और राइट साइड में भी आ गया लॉग। इसकी पावर हाफ, तो पावर आगे आ जाती है और लॉग में जो न्यूमरेटर में है वो सब आपके प्लस में, और जो डिनोमिनेटर में है वो हो गए आपके माइनस में। यहां तक किसी को दिक्कत हो पहले वो बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड का, तो हमें लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करना है। ओके राघव, देखो ये न्यूमरेटर वाले हैं मतलब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले तो आ गए आपके प्लस में ये दोनों, और जो डिवाइड वाला है वो आ गया माइनस में। इज दैट फाइन? मैं एक और दिखा देता हूं तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन ये होता तो एक्स माइनस वन और x माइनस टू, तो आते प्लस में, कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा अनुभव। और बाकी जो है डिनोमिनेटर वाले आते सारे माइनस में। राघव समझ में आई बात, बताओ? ठीक है, ओके। देखिए राइट साइड में क्या है, 2 है, चाहो तो 2 को इधर भी ले जा सकते थे, तो यहां लिख दो 2। अब आपको जो डिफरेंशिएशन करना है वो किस किस का करना है वो देखिए। एक तो हमें करना है लॉग के साथ x-3,
फिर लॉग के साथ एक्स स्क्वायर प्लस फोर फिर लॉग के साथ अब डिफरेंशिएशन करो बॉक्स बनाकर और बॉक्स बनाकर तो लॉग का क्या होगा वन अपॉन एक्स और डिफरेंशिएशन बॉक्स का लॉग का क्या होगा वन अपॉन एक्स और डिफरेंशिएशन बॉक्स का लॉग का क्या होगा वन अपॉन एक्स और डिफरेंशिएशन किसका बॉक्स का तो एक्स स्क्वायर का करेंगे टू एक्स आएगा एक्स का करेंगे वन आएगा यहां से देखो टू तो पहले ही है लॉग वाई का वन अपॉन वाई और वाई की वजह से डी वाई बाई डी एक्स आप देखिए किसी को इस स्टेप में दिक्कत है राघव क्या दिक्कत है बेटा कौन से स्टेप में बताओ मार्क करो उसे आप मार्क कर सकते हो आपको परमिशन है बेटा मार्क करने की आप मार्क कर दो एरो वगैरह कुछ भी मार्क कर सकते हो आप फोन से ठीक है मेरे ख्याल से आपने ये इसलिए बोला है समझ में आ गया डन अभी यहां से देखो काम अभी बाकी है क्योंकि dy by dx को अगर देखें तो ये आपका y upon 2 आएगा ज्यादा सिंप्लीफाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है इसमें इनके आंसर्स बहुत बड़े बड़े आएंगे अब ये एक काम और बचा हुआ है यहाँ पे वो ये है कि आपने तो डिफरेंशिएशन निकाला है y का और ये आया है 1 अपॉन 2 और आपको y की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि y क्या है क्योंकि y क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था y आपके दिमाग की उपज है आपको आंसर हमेशा उसमें छोड़ के आना होता है जिसमें क्वेश्चन में गिवन होता है हमने तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही तो करा है बेटा आप ये देखो ये क्या लिखा है ये डी अपॉन डी एक्स का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स अपॉन में डी एक्स का मतलब ही होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स करनी है निग्रह कर दी बेटा लास्ट टैब की वैल्यू कहां से आई कौन सी वाली इसकी जगह इसे लिखा इन तीनों को तो एज इट इज लिख दिया और वाई की वैल्यू हमने पुट की है बस वाई की यहां से इक्वेशन वन से ये वैल्यू पुट किए डीवाई बाय डीएक्स अपॉन में डीएक्स का मतलब अनुभव एक्स के रेस्पेक्ट में ही होता है जरूरी है मयंक बहुत जरूरी है मैंने बताया ना अगर क्वेश्चन में वाई गिवन हो इन्होंने दिया होता वाई तो जरूरी नहीं था लेकिन वाई हमने एज्यूम कराया ना हमने खुद बनाया है तो इसलिए हमें करना पड़ेगा हमें वाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी करनी तो यहां पर भी चाहिए पुट जगह नहीं है इसलिए नहीं करी हाँ इससे तो खतरनाक बहुत है अभी ये तो शुरुआत हुई है अभी पहला ही क्वेश्चन है अभी करा देते हैं आपको
घबराओ मत, थोड़ी देर में आसान लगेंगे। पहले पहले करा देते हैं फिफ्थ आपको। एनसीईआरटी वालों ने भी गलत कर रखा है, फिफ्थ पहले देना चाहिए था। ठीक है, मल्टीप्लाई बहुत हो रही है तो हमने क्या करा, दोनों साइड लॉग ले लिया। नहीं, अवनी नहीं, बिल्कुल सिंपलीफाई करने मत बैठ जाना। अभी ऐसा होता है अनुभव, फर्स्ट क्वेश्चन जब नए टाइप का आता है ना तो इजी भी हो तो भी डिफिकल्ट लगता है। आप याद करो, देखो 10th में भी ट्रिगो स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टी लगी थी, आप याद करके बताओ। ये 11th में आती है 10th की ट्रिगो कैसे लगती है? ये मल्टीप्लाई में है राघव, जो डाउट पूछ रहा बेटा। हाँ इजीली होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आयुष। भाई एक्सप्लेन करो कि लॉग हम किस क्वेश्चन, मैंने अभी भी बताया था, जब बहुत सारी मल्टीप्लाई डिवाइड पावर हो या एक्स की पावर में एक्स हो, एक्स की पावर में वाई हो, वाई की पावर में एक्स हो या वाई की पावर में वाई हो, मतलब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल अगर हो तो लॉग कंपलसरी है। और यहां हम लॉग इसलिए यूज करते हैं, हाँ ये वाला आप करके देख सकते हो, ये हो जाएगा, सबसे इजी क्वेश्चन है ये वाला। अब आप कंटिन्यू करो, ये आपसे हो जाएगा, सब लोग करके देखो। देखो जब तक आप लोगों के पेन से ये कॉपी पर नहीं उतरेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। ये पावर आगे आ जाएगी और बस सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। थ्री एक्स सबके साथ अलग अलग लॉग क्या है ये? अवनी ये क्या लिखा है? आवाज की जरूरत क्या है बेटा, आप करो क्वेश्चन आयुष।
वेरी गुड. कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया ना आप लोगों से, मैं वो ज्यादा जरूरी है. देखो इस क्वेश्चन को करने से काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका. ऐसे नॉर्मली लिख सकते हो, बस कोई परेशानी नहीं है इसमें. गुड ध्रुव, बढ़िया. अभी क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट करो सब लोग. जिसका फिफ्थ हो गया है, सर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? लॉग एक्स का बेटा, लॉग एक्स का फॉर्मूला यूज करा है. लॉग एक्स का क्या होता है? वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स. ये क्वेश्चन बेटा अभी तो छोटे वाले चल रहे हैं, लंबे वाले तो अभी आने बाकी हैं, इसके नेक्स्ट क्लास में होंगे. एक्स क्यों आएगा बेटा लक्ष्य? बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है इसमें. अभी अभी दिखाता हूँ, देखो आपको. ये नाइन्थ क्वेश्चन देख रहे हो, ये बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा. ये सारी लंबे हैं, 9, 7 सब लंबे क्वेश्चन है. हिम्मत टूट गई बेटा. जाने वालों को कौन रोक सकता है बेटा? सब सब लॉक से होंगे. ये सही कह रहे हैं, माइंड लंबे हैं. 9 करोड़ का हो जाएगा? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं सोचे. फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट कर लो बस. चलो रहने दो, अभी इतने रहने दो, आज काफी हो गए. अभी